सावनेर पोस्टी अंतर्गत नागपुर सावनेर रोड पर स्थित पाटन सावंगी टोल नाके के पास 30 दिसंबर की रात 12 बजे के दरमियान तीन अज्ञात आरोपियों ने बच्ची के गले पर चाकू रखकर 40,000 रुपए नगद तथा 30,000 रुपए के आभूषण ऐसे 70,000 रुपए लूटकर आरोपी भाग निकले। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद रिजवान खान नवी बस्ती मक्का मस्जिद टेकाना का नागपुर अपने परिवार के साथ लाल रंग की मारुति स्विफ्ट से रात बरा के दरमियान अपने रिश्तेदार के घर छिंदवाड़ा जा रहे थे। पाटन सावंगी टोल नाके पर टोल देकर बच्चों को पेशाब लगने से रस्ते पर साइड में गाड़ी खड़ी कर बच्चों को पेशाब करवाई तथा पिता मोहम्मद भी लघु शंका करते वक्त अचानक तीन अज्ञात आरोपियों ने मोहम्मद रिजवान पर लाठी से हमला करते नजर आते ही गाड़ी में बैठी पत्नी साहिनाज खान व बच्चे मोहम्मद रियाज खान मोहम्मद जुहार खान अपने पिता को बचाने दौड़ पड़े तो आरोपियों में से एक ने उसके चाकू एक बच्चे के गर्दन पर रखकर उनके पास जो कुछ है वह फौरन देने की मांग करते ही 40,000 रुपए नगद व 30,000 रुपए की कीमत के जेवरात ऐसे 70,000 रुपए लूटे। इसी दरमियान बच्चे को बचाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे पिता मोहम्मद रिजवान पर आरोपी ने चाकू से हमला कर चेहरा और पेट पर वार कर उन्हें घायल करना शुरू कर दिया। ऐसे में छोटा बेटा मोहम्मद जोहरान खान व पत्नी के करीब के टोल नाके की ओर दौड़ पड़े वहां उपस्थित कर्मचारियों से मदद की गुहार लगाई तो तुरंत कर्मचारी ही घटनास्थल की ओर भागे। अपने और अचानक 8-10 लोग आते देख आरोपी सावनेर की दिशा में भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पाटन सावंगी पुलिस चौकी के एपीआई निशांत फुलेकर प्राप्त होती ही उन्होंने थानेदार अशोक कोहली को देकर नाकाबंदी करते हुए घायल मोहम्मद को मेयो हॉस्पिटल नागपुर उपचार हेतु रवाना किया। कल ये जो घटना इस तरह से घटी सर कि हम नागपुर से छिंदवाड़ा जा रहे थे फंक्शन में, मेरे सिस्टर की बच्ची की एंगेज थी उसमें जा रहे थे। बस यहाँ से टोल नाका नक्की हम लोग बस बच्चों को थोड़ा सा टॉयलेट के लिए रुका है गाड़ी, और गाड़ी रुकाने के बाद में बच्चों को टॉयलेट करवा लिए, फिर मेरे मिस्टर भी गए। पीछे से अचानक से अटैक किए कुछ लोगों ने डंडे से, फिर डायरेक्ट वो खंजर वाला जो चाकू था उससे, फिर लूटपाट गाड़ी में घुस के, फिर मेरे भी ड्रेस वगैरह फाड़े, मेरी भी ज्वेलरी वगैरह नोच के ले गए, और 70 से 80 हज़ार रुपये कैश पेमेंट थी, पूरी 500 की नोट थी, पूरे बंडल ले गए। सावनेर पुलिस स्टेशन के पाटन सावंगी टोल नाके पर घटित उक्त राहजनी की घटना व आरोपी सावनेर की दिशा से भागे होने की सूचना पर थानेदार ने सावनेर नागपुर व सावनेर छिंदवाड़ा जाने वाली सभी रास्तों पर नाकाबंदी व पेट्रोलिंग बढ़ा दी। ऐसे में पहेको रिलायंस पेट्रोल पंप के पास तीन संचेत लोग संशयास्पद स्थिति में होने की जानकारी प्राप्त होते ही सावनेर पुलिस ने आरोपियों को घेर कर पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाते हुए दो आरोपी भाग निकलने में कामयाब हुए तो वही मुख्य आरोपी भोला सुखदेव नागवंशी को धर दबोचने में सफलता प्राप्त हुई। पहले तो वो उक्त लूटपाट की घटना से संबंध न होने और गुमराह करने लगा, पर पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ की तो उसने लूटपाट कबूली देते हुए सह आरोपी दिलीप नत्तू उइके एकता नगर परतवाड़ा अमरावती व घोड़ा डोंगरी जी बैतुल मप्र के राजकुमार इमरुलाल पगारे इन तीनों ने मिलकर उक्त घटना को अंजाम देने की बात कबूल की। पाटन सावंगी बीट के एपीआई निशांत फुलेकर की सूचना पर पुलिस निरीक्षक अशोर कोहली द्वारा योग्य नियोजनबद्ध तरीके से उपरोक्त घटना में सम्मिलित एक आरोपी को 5 घंटे में पकड़कर घटना सुलझाने में कामयाब थानेदार अशोक कोहली एवं उनके सहयोगी एपीआई सतीश पाटिल, एपीआई निशांत फुलेकर, हेड कांस्टेबल हेमराज कोले, हेड कांस्टेबल विजय पांडे, हेड कांस्टेबल सुनील व्यवहारे, वाहतुक विभाग के नियंत्रक हेड कांस्टेबल अशोक आठवले, वाहतुक पुलिस सीपीआई आशीष कारेमोरे, प्रकाश ढोके, दिनेश गाड़गे आदि ने अथक प्रयास किए। इस घटना में भानवी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस उपविभागीय अधिकारी अशोक सरमकर के मार्गदर्शन में थानेदार अशोक कोहली एवं सहकारी आज्ञा के जांच कर रहे हैं। नागपूरचं एक कुटुंब आहे, तर ते छिंदवाडाला चाललं होतं, काही लग्नाचा प्रोग्राम होता त्यांचा। त्यांच्या स्विफ्ट गाडीतून ते नवरा बायको आणि त्यांची दोन मुलं हे हायवेने जात होते, NH 47 पाटण सावंगीचा जो टोल प्लाझा आहे त्याच्या पुढे साधारणतः 100 ते 150 मीटर अंतरावर नॅचरल कॉलसाठी त्यांनी गाडी थांबवली। त्यावेळी अचानक 3 इसम 20 ते 25 वयोगटातले त्यांनी त्यांना चाकूचा धाक दाखवला आणि त्या चाकूच्या धाकाने त्यांच्याकडचे खिशातले 40,000 रुपये आणि महिलेच्या गळ्यातली मंगलसूत्र असं 69,000 रुपयाचा
ऐवज त्यांनी चोरून घेऊन ती पळून गेली. त्यानंतर आम्हाला जशी माहिती मिळाली तर आम्ही पेट्रोलिंग चालू केली आणि पूर्ण सर्च चालू केलं, सर्च ऑपरेशन. तर बुरुजवाड्याच्या या ठिकाणी जो आपला रिलायन्स पेट्रोल पंप आहे त्या ठिकाणी काही 2-3 इसम हे संशयितरित्या फिरतायत चोरी करण्याच्या उद्देशाने आलेले असावेत अशी माहिती प्राप्त झाल्याने पुन्हा आमच्या सगळ्या टीम तिकडे रवाना केल्या. आम्ही ज्यावेळी त्या ठिकाणी पोचलो त्यावेळी त्या 3 पैकी 2 लोक ऑलरेडी पळून चाललेले दिसले आम्हाला, पण खूप लांब होते. आणि जो मेन आरोपी जो होता भोला सुखदेव नागवंशी तो आमच्या ताब्यात मिळाला. तर त्याच्याकडे आम्ही कायदेशीररित्या विचारपूस केलेली आहे. तर त्यांनी कबुली दिलेली आहे गुन्ह्याची की आम्ही हा गुन्हा तिघांनी केलेला आहे. त्याच्याकडून साधारणतः 10-11 हजार रुपये कॅश रिकव्हरी झालेली आहे. त्याला उद्या माननीय कोर्टामध्ये आम्ही हजर करणार आहोत, तपास चालू आहे.